तेज बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर, करौली समेत कई जिलों से जल भराव वाली स्थिति सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा आज करौली, भरतपुर और दौसा के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज करौली जिले में बारिश से बिगड़े हालात का हवाई सर्वे किया और साथ ही अधिकारियों से मिलकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को बारिश से उपजे हालातों का जायजा लेने के लिए स्वयं राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकले थे। दिल्ली दौरे से सीधे जलमग्न इलाकों के हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री कल जयपुर पहुंचे और करीब 3 घंटों तक वे शहर की सड़कों पर रहे। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ दौरे के दौरान सीएम के साथ में ही मौजूद थे। सांगनेर क्षेत्र से लेकर के सिविल लाइंस और सीकर रोड तक मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। द्रव्यवती नदी से लेकर छोटे नालों और ट्रैफिक की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री ने देखी। वहीं पर मुख्यमंत्री ने आमजन से भी खुलकर के संवाद किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा आगे कि जल भराव की स्थिति ऐसी ना हो, ऐसी स्थितियां ना दिखाई दे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित ना हो, इसका सख्त से सख्त अब ध्यान रखा जाए और पुख्ता कार्य योजना भी इसको लेकर बनाई जाए। जल भराव देख करके मुख्यमंत्री ने जेडीए के अधिकारियों को भी लताड़ लगाई। साथ ही कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों का भराव हो उसे तुरंत ही सही किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की वजह से सड़कें खराब हुई है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर समेत करीब 7 जिलों में बाढ़ के जैसे हालात है। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, बारा, दौसा ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है।